नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और छत्तीसगढ़ में इस समय संविदा कर्मियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल काम पूरे और अधिकार अधूरे वाली बात जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। प्रदेश भर के संविदा कर्मी अपने एक सूत्री मांग को लेकर नए रायपुर के तूता में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर हजारों संविदा कर्मी सरकार से नियमितीकरण की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं शासन ने संविदा कर्मियों पर एस्मा लगा दिया, जिसके बाद संविदा कर्मियों के द्वारा जल सत्याग्रह कर सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ फोन पर प्रांतीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, संविदा कर्मी के सूरज सिंह जी हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये आंदोलन का रूप रहेगा, सरकार का क्या रवैया है, सरकार किस तरह से संज्ञान में ले रही है और आने वाले समय में आंदोलन का क्या रूपरेखा रहेगा। और हमारे साथ संविदा कर्मियों के प्रांतीय प्रवक्ता सीधे जुड़ चुके हैं। सूरज सिंह जी, सीधे बात करेंगे आपसे, क्या कैसा आंदोलन रहा आप लोग का, और क्योंकि लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग पूर्व में 33 जिलों का भ्रमण करते हुए लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए 33 कलेक्टर महोदय, 90 विधायक महोदय और 13 मंत्रियों को हम लोगों ने ज्ञापन सौंप चुका है कि आपने जो जन घोषणा पत्र पर निमित्तकरण का वादा किया है उसको पूर्ण करें। हम लोगों ने एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया, उसके पश्चात ही सरकार हमारी नहीं सुनी। इसके पश्चात हम लोगों ने 3 जुलाई जिले के 10 जुलाई तक का जिला स्तरीय आंदोलन किया। जिला स्तरीय आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को पुनः ज्ञापन सौंपा कि आप हमारी मांगों को सुनिए, आपने जिन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में निमित्तकरण का वादा किया है उसको पूर्ण करिए। उसके पश्चात भी सरकार ने एक नहीं सुनी, हमारे हजारों आवेदन निवेदन को एक सिरे से खारिज किया और हमारे जो प्रतिनिधि है उनको संवाद के लिए एक बार भी नहीं बुलाया। इसकी वजह से 10 जुलाई से हम लोगों ने प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ किए। 10 जुलाई को लगभग 10,000 की संख्या में हमारे संविदा कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने हल्ला बोल किया। हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन को प्रदेश व्यापी कर रहे थे। कल शाम को 7 बजे माननीय राज्यपाल के हस्ताक्षर से, इन्होंने उप सचिव के हस्ताक्षर से एस्मा छत्तीसगढ़ में हमारे 15,000 एनएचएम साथियों के ऊपर एस्मा की कार्रवाई की, जिसके विरोध में आज लगभग 5,000 संविदा कर्मचारी मैदान में उतरे हैं और आज हम लोगों ने जल सत्याग्रह किया। जल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार से हम लोगों ने पुनः अपील किया कि आपके ऐसे एस्मा और चश्मा से हम डरने वाले नहीं है, हमने जो नियमितीकरण का मांग जो रखा है उसे तत्काल पूर्ण करें, संवाद करें, ऐसे एस्मा जैसे कानून से कोई कर्मचारी डरने वाला नहीं। सुरेश सिंह जी, एक सवाल है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और संविदा कर्मी जो है पिछले लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन काल था तब भी संविदा कर्मी काम करते थे, आज कांग्रेस की सरकार है तब भी संविदा कर्मी अभी भी अपनी वही कार्य को कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, आने वाले चुनाव में किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है यदि संविदा कर्मियों को नियमितीकरण नहीं किया गया तो? 2018 को ऐसे ही मंजर था, ऐसे ही माहौल था, हजारों संविदा कर्मचारी सड़क पर उतरे हुए थे। 3 जुलाई 2018 को माननीय टीएस सिंहदेव जी हमारे मंच पे आए थे, उन्होंने कहा था कि 10 दिन में आपको नियमितीकरण करेंगे। वो वादा को याद करते हुए पूरे संविदा कर्मचारियों ने संकल्प लिया कि भाजपा की सरकार को मिटाना है और कांग्रेस लाना है। आप समझ सकते हैं 2018 को जिस तरीके से भाजपा को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस सरकार का सिरोधार क्या है। आज 2023 से मैं कांग्रेस सरकार से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप वो गलती मत दोहराइए जो 2018 को भाजपा सरकार ने दोहराया था। अगर वैसी स्थिति बनती है तो आपने अंजाम भी देखा है, आप सिरोधार भी हमने किया है, वो इतिहास बन चुका है कि भाजपा शासन में थी। तो क्या अभी भी आप सुनिए, आज 4.5 वर्ष हो गए हैं, क्या आपको अभी भी वो उम्मीद लगती है कि प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, वो आपकी मांगों की ओर थोड़ा भी वो संज्ञान मिले रहे, क्योंकि कैबिनेट के बैठक में आप लोगों की इस विषय को, इस मुद्दे को किसी भी 1% उसमें एक शब्द भी उसमें चर्चा नहीं हुआ है कैबिनेट की बैठक में, आपको जानकारी भी होगी इसकी, तो क्या लगता है? पौने 5 साल से आवेदन निवेदन हम लोग कर चुके हैं जी, भूपेश से तो भरोसा है बोल चुके हैं, लेकिन अंतिम 3 महीना बचा हुआ है। 3 महीना संविदा कर्मचारियों के लिए भी बचा हुआ है, 3 महीना कांग्रेस सरकार के एक्सटेंशन के लिए भी बचा हुआ है। आज संविदा कर्मचारी और कांग्रेस की सरकार आर पार और आमने सामने खड़ी है। अगर सरकार हमारी मांगों को अनदेखा करती है, हमारे विषय पे नहीं सोचती है और हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो इसका
नतीजा उनको चुनाव के समय भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से भाजपा आज सत्ता से बाहर है, उस प्रकार से कांग्रेस का भी स्थिति आने वाला है। मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, वो स्थिति दोहराए नहीं, तत्काल निवेदीकरण का वादा करें, हमारे पदाधिकारियों से संवाद करें और मिल बैठ के हम फैसला करते हैं। अभी आगामी समय में मानसून सत्र में बजट पारित होने वाला है, अनुपूरक बजट। अगर सरकार इस अनुपूरक बजट में हमारी मांगों को पूर्ण करती है तो निश्चित रूप से पुनः हम छत्तीसगढ़ में सरकार को सिरोधार करेंगे, वरना 2018 में कांग्रेस सरकार देख चुकी है कर्मचारियों की ताकत। आंदोलन संबंधी अगर जानकारी लें तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अनिश्चितकालीन आप लोग धरना कर रहे हैं, अब आज जैसे कि आपने जल सत्याग्रह किया, वहां पर आपकी पुलिस और उनके बीच झड़प भी हुई, आपको पानी से निकालने के लिए भी प्रयास किया गया, आने वाले दिनों में और किस तरह के आंदोलन जो है किस तरह का रूप देखने को मिलेगा? हम लोगों ने जल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को बताया है कि कर्मचारी अभी भी मैदान में जुटे हुए हैं। अगर सरकार मांग नहीं करती है तो हम लोगों ने 10 जुलाई को ऐलान किया था कि 17 जुलाई को जेल भरो आंदोलन करेंगे। जेल भरो आंदोलन में प्रदेश भर के 50,000 सोलह कर्मचारी यहाँ उपस्थित होने वाले हैं, सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। जेल जाने को हम तैयार है, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। इस सरकार से हम अपनी मांगों को पूर्ण करा के रहेंगे। अगर सरकार फिर भी हमारी मांग को पूर्ण नहीं करती है तो 18 को हमारा विधानसभा घेराव है। सीधे मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि 4.5 साल बीत चुके हैं, संविदा कर्मचारी तिल तिल से मर रहे हैं, अभी भी काका जिंदा है बोल रहे हैं। आप एक बार उनकी गुहार सुनिए, बात करिए, तत्काल उनकी मांग को पूर्ण करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे और अपडेट के लिए हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज चैनल का, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 वर्षों से छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जितने भी संविदा कर्मी हैं वो सभी लगातार प्रदर्शन कर नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसके बाद अब राजधानी रायपुर में 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल मौजूदा सरकार भूपेश बघेल की जो सरकार द्वारा 2018 चुनाव में नियमितीकरण की घोषणा के बाद संविदा कर्मी सरकार से आस लगाए बैठे हैं। अब 2023 का चुनाव सिर पर है लेकिन नियमितीकरण की मांग अधूरी की अधूरी रह गई है। ये लगातार 4.5 वर्ष से नियमितीकरण का जो वादा किया गया था उसको पूरा आज तक सरकार ने नहीं किया है। 3 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन संविदा कर्मचारियों का जारी है। हम ये चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण किया जाए। ये जल सत्याग्रह कल जो ESMA कानून लागू किया गया एक शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए, उसके विरोध में हम यहाँ पर एकत्रित हुए इस जल सत्याग्रह के माध्यम से। हम सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे कलंकपूर्ण कानूनों से बचे और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त करें। अभी भी आपके पास अनुपूरक बजट बचा हुआ है, उसमें सभी अत्याचार का एक जवाब, अत्याचार का एक जवाब, अत्याचार का एक जवाब। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में 50% से अधिक शासकीय पद अनियमित कर्मचारियों के भरोसे चल रही है। अनियमित कर्मचारियों की बुद्धि को सरकार किराए पर चला रही है। संविदा कर्मी शब्द को यदि परिभाषित करें तो यह कहना गलत नहीं है कि सरकार पढ़े लिखे काबिल युवकों की बुद्धि को लीज पर ले रखा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिल्डर जमीन नहीं खरीद पाता तो उसे लीज पर ले लेता है, तो इस प्रकार से संविदा कर्मियों का हाल है। आज जल सत्याग्रह किया, वहीं पुलिस से उनकी मुठभेड़ भी हुई है। एक तरह से कहें कि पुलिस ने उन्हें जल से निकालने के लिए, पानी से निकालने के लिए प्रयास किया है, तो इस तरह से वाद विवाद भी हुए हैं। और लगातार जो है छत्तीसगढ़ में ये प्रदर्शन चल रहा है। 2018 में भी ये प्रदर्शन जारी था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और वो संविदा कर्मियों का ये कहना है कि जैसे 2018 में हमने सरकार बदली वैसे ही इस सरकार को भी बदलने में समय नहीं लगेगा। चुनाव का वक्त है और सियासत जो है लगातार गर्माता जा रहा है। पिछले लंबे समय से संविदा कर्मियों का ये आंदोलन चल रहा है और अब 10 जुलाई से लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में सरकार किस तरह से फैसला लेती है, क्या चुनावी माहौल को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार संविदा कर्मियों को नियमितीकरण की करने का फैसला लेती है नहीं, ये सवाल अभी भी लगे हुए हैं। आगे अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।